होली खेलने का मजा ही कुछ और है। टाउन स्क्वायर पर डीजे ढोलक का धमाकेदार म्यूजिक बजने वाला है, हम सब खूब नाचेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी पिचकारी चेक कर रहा था, गलती से तुम पर लग गई, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि पिचकारी अपना काम ठीक कर रही है। यस बॉस। चलो चार्ली की होली को जरा रंगीन बना देते हैं। ये क्या हुआ? बॉस, तुम तो बिल्कुल जोकर की तरह दिख रहे हो। जो मैडम, और कराचा को अपना बैग दे दो। कराचा, ये कौन है जो दिन दहाड़े लोगों को लूट रहा है? इसकी पिचकारी से तो कोई चिपचिपी चीज निकल रही है। ये तो पूरे आर्यनगर को गंदा कर रहा है। मुझे बुद्धू बना रहे थे, अभी बताता हूँ तुम तीनों को। नीचे झुको, जल्दी। इस कराचा को रोकने के लिए माइटी राजो को आना ही होगा। माइटी राजो, ये माइटी राजो आ गया। ये अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये लो। अरे वो क्या था? कराचा से लड़ने के लिए मुझे उसी के चिपचिपे गोले का सहारा लेना होगा। बहुत अच्छे माइटी राजू, बहुत अच्छे। ये माइटी राजू। ही राजू, क्या तुमने देखा माइटी राजू ने कैसे कराचा को उसके ही जाल में फंसाया? मैंने देखा, माइटी राजू ने तो कमाल ही कर दिया। वक्त आ गया है किसका? नाचने गाने का, रंग उड़ाने का, और सारे दोस्तों को कहने का हैप्पी होली। बन गया ज़ॉम्बीनो। यहाँ से नकली रंग पूरे आर्यनगर में जाता है। कल है होली और अब यहीं से ज़ॉम्बीनो पूरे आर्यनगर में जाएगा। बहुत बढ़िया बना है राजू। इस बार आर्यनगर में ऐसी होली खेलेंगे कि दुनिया याद रखेगी। राजू, गोपी, क्या बना रहे हो? ये एक वाटर स्प्रिंकलर है। वाटर स्प्रिंकलर? वो भी इतना बड़ा? क्यों? क्योंकि जूली, ये कोई आम वाटर स्प्रिंकलर नहीं है, तो ये होली स्पेशल है। कल इसमें हम रंगीन पानी भर के आर्यनगर में सभी को रंग देंगे। क्या? मुझे नहीं खेलनी होली। खेलनी तो पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। जूली, लेकिन तुम होली खेलना क्यों नहीं चाहती? एक बार रंग लगता है तो 10 दिनों तक उतरता नहीं। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा तो सिर्फ नकली रंगों के साथ होता है। मगर हम सिर्फ असली रंग इस्तेमाल करेंगे जो कि पेड़ पौधों से बनते हैं। मैंने सुना असली रंग? ठीक सुना, फिर से सुनना चाहोगे?
से डरपोक खेलते हैं राजू के बच्चे। नकली रंगों से खेल के दिखाओ तो समझे। और तुम कौन होते हो ये सब समझाने वाले? राजू चार्ली से पंगा नहीं। क्या क्यों डर गए क्या? चल माफ किया लेकिन फिर पंगा मत लेना। पंगा नहीं तो चलो एक मुकाबला ही सही। मुकाबला? कैसा मुकाबला? जो ये तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। कल आर्य नगर में जिसका रंग सबसे ज्यादा दिखेगा वो जीतेगा। फिर तो तुम सब मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। हम भी पूरी तरह तैयार हैं। वो तो कल ही पता चलेगा। मुकाबले की तैयारी कैसी है? हम तो तैयार हैं, लेकिन चार्ली अभी तक नहीं आया। किसी ने याद किया क्या मुझे? लो, याद किया नहीं कि शैतान हाजिर। डरो मत राजू, मैं तो सबसे बाद में रंगूंगा। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है चार्ली नकली रंग में कुछ मिलाकर लाया है। क्या? जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। या फिर किसी ने चार्ली का इस्तेमाल तो नहीं किया है। अच्छा तो ये है सारी मुसीबत की जड़। आज पूरा आर्य नगर बर्बाद कर दूंगा। क्या डाला है तुमने लोगों पर? ज़ॉम्बिनो, एक ऐसा केमिकल जो लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है, इसलिए लोग समंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। बेचारे। राजू तुम्हें पहले आर्य नगर के लोगों को बचाना होगा। ठीक कहा मोबी, लेकिन कैसे? इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे रोकूं? एक तरीका है मोबी, मैं इस कंटेनर के अंदर अपना हाथ डालूंगा और फिर मैक ट्रैक को चार्ज करूंगा। इससे मेरे अंदर का न्यूट्रिनो पानी में मिल जाएगा और जब मैं तुम्हें इशारा करूं, तुम वाटर स्प्रिंकलर को ऑन कर देना। चाहिए। शाबाश मूवी। सॉरी मूवी, मैंने तुम्हें देख लिया। गॉट टू गो चिकी। भीगी बिल्ली मत बनो। कम ऑन मोबी। ये राजू मेरे दीवार पर डिस्को कर रहे क्या? ए, ए। आयो
मोबी, हेड टू हेड, चलो, वन। ये राजू का आवाज। टू, थ्री। आयो। अभी देखना कैसे तुम्हारे मॉम से मैं तुमको डांट पिलाता। अच्छी की जल्दी से पेंट का निशान मिटा दो इससे पहले कि मॉम देख ले। ओके राजू। मिस्टर मूर्ति आप यहाँ? राजू? हाँ राजू तुम्हारा बेटा। देखो देखो क्या किया इसने मुझको। अजीब नहीं दिखता मैं? साफ। राजू ने क्या किया? कसूर पूछता। मेरे बाल सब जगह से कलर कलर किया। देखो ये देखो रंग। अयो साफ सब साफ सब एकदम साफ। जी हाँ यहाँ सब साफ है। अब क्या प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ अचानक कैसे आए? था दिन दिन ता था दिन दिन ता था दिन दिन ता था दिन ता था।